बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड उससे पहले थोड़ा हम फंक्शन के बारे में बताएंगे और इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो बताएंगे, जिससे जिन्होंने फंक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है उनको भी ये सेशन समझ में आए। फिर लास्ट में हम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आएंगे। तो अगर ये देखा जाए कि हम लोग अलजेब्रा में अक्सर फंक्शन फंक्शन करते रहते हैं, तो इस टाइप की जो चीजें कई बार लिखी जाती थी, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस केस में इस फंक्शन को कैसे कह सकते हैं? दिस फंक्शन इज एक सेट, ये है एक्स का, एक्स वैल्यूज का, दूसरा सेट है वाई वैल्यूज का। तो एक्स वैल्यूज का सेट क्या है? ये एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो पूरा ही जो रियल वैल्यू रियल नंबर्स का पूरा सेट है वो पूरा एक्स की वैल्यू हो सकती है एंड वाई भी सारा रियल नंबर ही आ जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है एफ जो हमने दिखाई हुई, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसको इस टाइप के फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये फंक्शन ऐसा है जो रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर के बीच में ही मैप कर रहा है। इधर एक रियल नंबर आएगा एक्स की वैल्यू, उसमें टू ऐड करके दूसरा रियल नंबर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन इस तरह से ये डिफाइन हो रहा है। इसको इस तरह से लिखते हैं, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पार्ट डोमेन हो जाता है, ये पार्ट रेंज हो जाता है। जो यहाँ का इनपुट डाल रहे हो उसको डोमेन बोलते हैं, ये पार्ट डोमेन हो जाता है और इसमें जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो रेंज हो जाती है। इसमें कुछ सीवल्यू ऐसी हो सकती है जो रेंज नहीं है, भी उस टाइप के फंक्शन देखेंगे, पर मोटा मोटी मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, ये पार्ट डोमेन हो जाता है, उस पार्ट में रेंज हो जाता है। ये तो रहा फंक्शन का बेसिक आइडिया। अब सिचुएशन ये आती है कई बार कि क्या हम सारे इस टाइप की मैपिंग फंक्शन, सारे इस टाइप की जो मैपिंग है इधर से उधर वो फंक्शन हो सकते हैं क्या? तो नो। फंक्शन कैसे डिफाइंड होते हैं कि सपोज कीजिए फिर से वही बनाते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें डी एक्स वाई जेड, इस टाइप का है। अब इसके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है जो फंक्शन के टाइप पे फॉर्म होती है, जिसमें ये है कि ये ए से कनेक्टेड है, बी से ये कनेक्टेड है, सी से वाई ये कनेक्टेड है और ये डी से ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, तो डिफिनेशन ये कहती है कि हम उस जो मैपिंग को, उस फंक्शन को, उस मैपिंग को फंक्शन बोलेंगे। मैपिंग मीन्स इससे इसके रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप को या मैपिंग को फंक्शन बोलेंगे, जिसमें ये सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू हो। मीन्स डोमेन, डोमेन जो है डोमेन शुड बी इक्वल टू एक्स, ये पूरा जो सेट है ये डोमेन हो, जो पॉसिबल वैल्यू हो एक्स की। अगर ये फंक्शन इस टाइप से है y इक्वल टू एफ एक्स, तो x की जो वैल्यू सारी पॉसिबल हो वो सब सारे पॉइंट कवर हो जाए, मतलब इसमें ऐसा कोई वैल्यू ना हो जो जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। एंड यहाँ पे तो वैल्यू एक्स्ट्रा हो सकती है, पर यहाँ पे जितनी वैल्यू है वो ये इनकी रेंज होती है, जिसको रेंज बोलते हैं। तो इसमें एक्स वाई, एक्स वाई वी एक्स वाई इज रेंज, केवल एक ही इस साइड में, केवल एक ही इस साइड कंडीशन है कि सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। इस साइड की एक ही कंडीशन है कि हर एक्स के हर एलिमेंट के लिए यहां पे यूनिक नंबर आना चाहिए। दो नंबर के लिए तो एक हो सकता है, पर एक का दो नहीं हो सकता, जैसे ये नहीं हो सकता। अगर यहीं पे हम बोले कि डी जो है जेड से भी कनेक्टेड है, डी जो है वाई से भी कनेक्टेड है, तो यूनिक नहीं रहा। एक डी के लिए दो वैल्यू इधर आ गई, तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस रिलेशनशिप को हम, उस मैपिंग को हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। मीन्स जहां पे एक पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज कर रहा है मामला, वो फंक्शन नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि यहां से दो पॉइंट आकर के इधर आ जाए, तो ये तो फंक्शन है, बट ये वाला पार्ट जो है ये फंक्शन नहीं है। तो एक से दो नहीं हो सकते, दो से एक हो सकते हैं, ये तो फंक्शन का बेसिक डिफरेंस होती है। सारे सारे पॉइंट कवर होने चाहिए साइड के, उधर सारी जो वैल्यू हो यूनिक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू है, तो वैसे रिलेशनशिप को फंक्शन बोलते हैं, वही हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब फंक्शन के बारे में थोड़ा और एक आइडिया ले लें कि
फंक्शन के बारे में जैसे ये भी आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा उनका रिवीजन हो जाएगा, जरूर पढ़ा होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा फिर से देख लें। अब अभी जो मैंने बताया उसी तरह सपोज कीजिए ये यहाँ पे एक्स सेट है, ये वाई सेट है। अब इसमें क्या है, अगर ये जब आप मैपिंग रिलेशनशिप यहाँ पे बना रहे हैं एफ की रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये अगर कोई रिलेशनशिप एफ है तो अगर इधर के सारे पॉइंट कवर हो गए मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट बचा नहीं है तो इसको ऑनटू रिलेशनशिप बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। ऑनटू फंक्शन बोलेंगे मींस यहाँ पे कोई भी खाली एलिमेंट ना बचे, हर इधर के किसी ना किसी एलिमेंट से उसके साथ रिलेशनशिप हो, इसको ऑनटू भी बोलते हैं, ऑनटू रिलेशनशिप बोलते हैं, और एक सर्जेक्शन भी इसको बोलते हैं, सर्जेक्शन रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको ऑनटू भी बोल सकते हैं सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं। फिर एक फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है जहां पे सारे पॉइंट तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो एक्स वाई के, एक पॉइंट पे छूट जाए, जब एक पॉइंट छूट गया तो इसको इनटू भी बोलते हैं, इसको एक पॉइंट छूट गया तो इनटू, कोई पॉइंट छूटा नहीं तो ऑनटू मीन सारा कवर कर लिया, इनटू मीन थोड़ा बचा हुआ है भी उसमें। एंड देन वन टू वन भी रिलेशनशिप होती है जो एक से एक, एक से एक, एक से एक कवर हो, ये वन टू वन भी है, जैसे ए से बी मिला, बी से ए मिला, सी से सी मिला, तो ये वन टू वन है। ऐसा नहीं कि मैनी वन दो पॉइंट मिलकर एक पॉइंट नहीं आ रहा है, एक से दो तो पॉसिबल नहीं, तब तो फंक्शन की डिफिनेशन से बाहर आ जाएगा, पर एक्स की दो वैल्यू हो वाई की एक वैल्यू, ये तो पॉसिबल है फंक्शन की डिफिनेशन में, तो ये वन टू वन भी रिलेशनशिप है। वन टू वन रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू रिलेशनशिप को हम सर्जेक्शन बोलते हैं, एंड वन टू वन रिलेशनशिप को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन इंजेक्शन बेसिकली फंक्शन और रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं दोनों को एक दूसरे के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेसिकली फंक्शन कह रहे हैं तो फंक्शन ही बोलते हैं। तो सर्जेक्शन फंक्शन क्या हो गए, ऑन टू फंक्शन होते हैं मीन्स यहाँ के सारे पॉइंट कवर हो गए, वन टू वन फंक्शन जिसमें वन से वन का एक ए से बी, बी से ए, सी से मिला हो तो इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, एंड अगर दोनों हो ऑन टू भी हो एंड वन टू वन भी हो, एक का एक से, एक का एक से, एक एक का एक से, सारे पॉइंट कवर हो तो ये बाइजेक्शन हो जाता है, इसको बाइजेक्शन रिलेशनशिप बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो बाइजेक्शन क्या होता है, वन टू वन भी होता है ऑन टू भी होता है। फिर एक फंक्शन आता है नॉट फंक्शन, वो अभी मैंने बताया था, देखिए ये नॉट फंक्शन इसलिए कि इसकी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे दो वैल्यू है तो ये यूनिक नहीं है, तो ये नॉट फंक्शन हो गया, फंक्शन के डिफिनेशन में आता ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कोई ना कोई एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। तो नाउ वी आर, जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें खाली ये, हम ये जो बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन टाइप के फंक्शन है, बाइजेक्शन रिलेशनशिप जितने हैं जिसमें वन टू वन है एंड ऑन टू है, मतलब इधर कोई खाली नहीं बचा हुआ है, तो ही उसी 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 उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं फंक्शंस को हम इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो अब आता है कि इनवर्स फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करें, ठीक है। अब ये देखिए इनवर्स फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, कि सपोज कीजिए एक ये सेट है, एक सेट ये है, ये ए है, ये बी है, एंड इनके बीच में एक रिलेशनशिप है एफ, रिलेशनशिप एफ है, और उस रिलेशनशिप ऐसी है कि वन टू वन है और ऑन टू है, दैट मीन्स अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ए बी सी डी इस तरह से है और इसमें कोई x, y, z, v है तो वन टू वन है, एक का एक से ही मिलन होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, वन टू वन है और इसके सारे पार्ट कवर है, मतलब इसमें कोई छूटा नहीं है, तो वन टू वन है, ऑन टू है, तो ये क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन हो गया, ये बाइजेक्शन रिलेशनशिप बोलना चाहिए, बाइजेक्शन रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, टेक्निकली गड़बड़ होने लगता है बोर्ड, बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन रिलेशनशिप हो गई। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इसको, इसमें क्या किया जा सकता है कि एक और फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं इधर से उधर, जी से इधर, ये फंक्शन क्या होगा, देखो ये भी फंक्शन होगा क्योंकि इसके लिए क्या होगा,
एफ फंक्शन के लिए तो ये डोमेन था ये रेंज था, इसमें डोमेन में सारे पॉइंट कवर है, रेंज में भी सारे पॉइंट कवर है, तो क्योंकि वन टू वन भी है आर टू भी है। जी में क्या होगा, जी के लिए ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज आएगा, ये भी वन टू वन रहेगा आर टू रहेगा, तो जी इज ऑल्सो बाइजेक्शन। सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि फॉर एवरी बाइजेक्शन, अगर एवरी ये बाइजेक्शन रिलेशनशिप है इस टाइप की, एवरी बाइजेक्शन रिलेशनशिप है ये, ठीक है, तो एवरी फॉर एवरी बाइजेक्शन देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन एफ जो बी से ए को मैप करता है, दिस इज ऑल्सो बाइजेक्शन, दिस इज ऑल्सो बाइजेक्शन, मीन्स जी फंक्शन जो है ये भी बाइजेक्शन होगा, ये भी वन टू वन होगा एंड आर टू होगा। तो फॉर एवरी बाइजेक्शन फंक्शन देयर इज अनदर फंक्शन जी जो वो भी बाइजेक्शन ही होता है, एंड ये जो जी फंक्शन होता है, ये जो जी फंक्शन होता है इसी को हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एफ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स, जी को हम एफ माइनस वन पावर माइनस वन, बट ये पावर वाला नहीं कॉन्सेप्ट, जस्ट सिंबल है, एफ की पावर माइनस वन नहीं है ये, बेसिकली एफ इनवर्स वन इस तरह लिखते हैं, बेसिक लिखने का सिंबल, तो जी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स। तो ओनली इन द केस ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन जहां पे वन टू वन रिलेशनशिप है और ऑन टू रिलेशनशिप है, उसमें एक दूसरी रिलेशनशिप रिवर्स एग्जिस्ट करती है जो वो भी बाइजेक्शन होती है, जो रिवर्स रिलेशनशिप है इसी को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, और g को हम f माइनस इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये तो हो गया इनवर्स फंक्शन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं स्पेसिफिक इनवर्स फंक्शंस पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना चाह रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले फंक्शन लेंगे साइन एक्स को, पहले हम फंक्शन लेंगे साइन एक्स को। अब साइन एक्स फंक्शन है क्या, पहले ये हम ग्राफ से बना करके देखते हैं। ऐसे होता है ना, अगर साइन का आपने देखा हो ऐसे ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो एक्स की जीरो वैल्यू के लिए ये होता है, पाई के लिए फिर जीरो होता है, टू पाई के लिए जीरो होता है, ये माइनस पाई हो गया, पाई बाई टू के लिए क्या होता है, पाई बाई टू के लिए वन होता है, एंड ये माइनस पाई बाई टू के लिए ये वैल्यू माइनस वन होती है। तो अब इसमें नॉर्मली हम लोग अभी तक सोचते होंगे कि इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो और वाई की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, कि ये फंक्शन को एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दे वाई की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, तो बट ऐसा नहीं है। आर इसमें जो एक्स की तो है वो एक्स की वैल्यू तो सारी रियल वैल्यूज है, बट वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू केवल माइनस वन से वन के बीच में ही है, तो जिसमें अगर एक्स का एक्स की वैल्यू जो लिखी जाए ये क्या होंगी, एक्स की वैल्यू तो सारे रियल नंबर हो गए, जो है x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सारा हो गया, बट y की वैल्यू जो क्या है, y की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही है, y को क्या से y इज माइनस वन से वन के बीच का एलिमेंट, इसे लिखते हैं ना, माइनस वन से वन के बीच की रेंज है जिसमें माइनस वन इंक्लूडेड है, इधर वन भी इंक्लूडेड है, तो y की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, तो इसको अगर जो अभी हम ग्राफ बनाते थे डायग्राम बनाते थे इस टाइप का, ये वाला और ये वाला ऐसे बनाओगे, तो ये अगर एक्स सेट है और ये वाई सेट है, ये तो पूरा रियल नंबर हो गया, और इसमें क्या हुआ, दिस इज ओनली, ये क्या हो गया, दिस इज ओनली माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू है इसके अंदर, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, पहले आप ये देखिए, ये फंक्शन हो गया मैनी वन इंटू फंक्शन, मीन्स यहाँ पे रियल वैल्यूज की खाली इतनी वैल्यू ही कंसिडर हो रही है, बाकी वैल्यू इतनी छूट रही है, अगर ये रियल वैल्यू बाकी भी बची है ये छूट रही है, केवल इतनी कवर हो रही है,
इस साइड की सारी रियल वैल्यू कवर हो रही है। तो आर की कई सारी वैल्यूज के लिए ये माइनस वन वाली रेंज में ही आ रहा है, तो आर की तो मैनी हो जाएगी, मैनी वन, ये इस टाइप की मैपिंग भी हो जाएगी, इस टाइप की कई एलिमेंट का एक कंबाइंड वैल्यू आ सकती है वन, जैसे वन इसके लिए भी, पाई बाई टू के लिए भी वन है, फिर ये थ्री बाई पाई बाई टू यहाँ पे भी वन हो जाएगा, तो मैनी वन रिलेशनशिप हो गया, मैनी वन एंड इन टू फंक्शन मीन्स देर आर कुछ वैल्यूज बची जो वाई में आई नहीं रही, वाई की तो खाली माइनस वन से वन के बीच में ही है, बट हमें जो इसको बाइजेक्शन रिलेशनशिप बनानी है तभी हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो बाइजेक्शन रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज है, पूरा रियल नंबर है, पर यहाँ पे कुछ ही वैल्यू ले रहे हो, तो मैनी आर की बहुत सारी वैल्यूज के बीच में यहाँ मैनी वन आ रहा है एंड इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये माइनस वन से वन के अलावा बाकी जो वैल्यूज चली आ रही, तो इनटू फंक्शन हो गया। हमें क्या लेना है, वन टू वन ऑन टू, वन टू वन ऑन टू, तो उसकी सिचुएशन में हम इसको कैसे डिफाइन करें कि इसमें हम इसका इनवर्स बना लें, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखिए। अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू जो है ये क्या है, ये माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू है, मीन्स यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बीच की ही वैल्यू है इसकी x की, उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस वन से वन हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये सेट एक हो गया, एक सेट ये हो गया, अब इसमें यहां से यहां के बीच में हर वैल्यू की केवल हर x के लिए करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो यूनिक आएगा, इसके लिए यूनिक आएगा, इसके लिए यूनिक आएगा, इसके लिए यूनिक आएगा, इसके लिए यूनिक, यहाँ पे आते ही फिर रिपीटेशन होने लगता है, क्योंकि x के इस वैल्यू के लिए भी सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ ऐसे ही, तो x की इस वैल्यू के लिए भी ये कुछ वैल्यू आएगी, x के लिए ये भी वाली है, तो ये दो दो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सिंगल आ रही है, तो ये मैनी वन रिलेशनशिप बन रही थी, वन टू वन नहीं बन रही थी। तो हमें वन टू वन बनाने के लिए हम केवल इतना पार्ट कंसिडर करेंगे तब जाके वन टू वन रिलेशनशिप बनेगी। तो अगर x की खाली वैल्यू हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहे, तो y की वैल्यू इसमें क्या आएगी, माइनस वन से वन आएगी और यूनिक आएगी एंड सारे पॉइंट कवर होंगे, दैट मींस रिलेशनशिप वुड बी बाइजेक्टिव, वन टू वन ऑन टू। तो इस सिचुएशन के लिए हम एक फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन है डिफाइन कर सकते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स x, ये इस कंडीशन के लिए आ सकती है। इसके लिए इसका एक इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो समझ गए कि साइन एक्स फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन में कब डिफाइन करते हैं, जब एक्स की वैल्यू इसके बीच में हो, वाई की वैल्यू यहाँ पे हो। तो बेसिकली तो अब दोबारा हमने एक्स लिख दिया, और ये बेसिकली तो फंक्शन बना ये जैसे आपने लिखा था से साइन एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ऐसे। तो बेसिकली फंक्शन तो ये हुआ साइन इनवर्स वाई, बट नॉर्मली एक बार जब आपने केवल साइन इनवर्स वाई की बात कर रहे हो, तो वाई को एक्स लिखो, जेड लिखो या कुछ भी लिखो, तो वो चीज साफ से हो गया कि ये साइन इनवर्स एक फंक्शन दूसरा आ गया। एंड ये साइन इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन होगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ y की वैल्यू है वो वहाँ पे x की वैल्यू बन जाएगी। ये साइन इनवर्स फंक्शन कैसा है, दिस इज, इसको अगर डिफाइन करोगे तो क्या है, ये x की इसके लिए x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो गई, एंड जो मैप यहाँ पे कर रहा है, वो जो मैप कर रहा है वो कर रहा है माइनस वन से माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ये हो गया, ये तो साइन इनवर्स हो गया। एंड साइन एक्स क्या था, अगर देखो वही वाले साइन एक्स को हम दोबारा लिखना चाहें, साइन एक्स क्या था, इसमें एक्स की वैल्यू क्या थी, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू थी, जो रिलेशनशिप बना रही थी दूसरे सेट से, दैट इज माइनस वन से वन के बीच। तो
ये साइन इनवर्स, इस साइन एक्स का ये साइन इनवर्स रिलेशन बन गया, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ से यहाँ पे मैपिंग हो रही थी, इसमें यहाँ से यहाँ मैपिंग हो गई। तो इस तरह से साइन इनवर्स फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं रेंज और डोमेन के हिसाब से। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या थी, ये डोमेन था, ये रेंज थी, यहाँ पे ये डोमेन हो गया, यहाँ पे ये रेंज हो गया। तो इन्हीं इन्हीं वैल्यूज के लिए साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। इसी तरह से हम कॉस इनवर्स में अगर आए तो कॉस इनवर्स में क्या सिचुएशन बनती है, कॉस का कॉस तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ठीक है एंड ऐसा ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस जीरो पे ये वन होता है वैल्यू, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया ठीक है। कॉस पाई बाई टू, कॉस नब्बे जीरो, ये माइनस पाई बाई टू के जीरो हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, फिर पाई पे फिर ये माइनस वन हो जाएगा। इस टाइप से बना कॉस का ग्राफ। अब इसमें भी वही है, एक्स की सारी वैल्यू पॉसिबल है एंड मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन कैसे है कि एक्स की, सपोज कीजिए एक्स की इस वैल्यू के लिए भी एक कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा। मैनी वन फंक्शन कैसे है, जैसे हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, एक्स की इस वैल्यू के लिए भी वाई इतना ही आ रहा है, एक्स की इस वैल्यू के लिए पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो इसको भी वन टू वन ऑन टू फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे अगर हम केवल इतना पार्ट लें ठीक है। अगर हम केवल इतना पार्ट लें, ये वाला पार्ट जीरो टू पाई, ये वाला पार्ट अगर लें, इस केस में क्या होगा, हर x की वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू y की है। तो इसमें हम इसको फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो cos x फंक्शन है, ये हम इस टाइप का फंक्शन है जो रिलेशनशिप बता रहा है जीरो से पाई के सेट को किस में ले जा रहा है, माइनस वन से वन के बीच, जीरो से पाई के बीच में एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में। तो ये फंक्शन कॉस एक्स इसके इसके बीच में डिफिनेशन दिखा रहा है। तो इसके लिए भी एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो जो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये माइनस वन से वन का पे ले जाएगा, माइनस वन से वन का सेट को जीरो से पाई के बीच में रिलेशनशिप बनाएगा। ये कॉस इनवर्स इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि भाई जैसे कि साइन एक्स भी था, यहाँ भी था, क्यों ना इतने ही पार्ट को डिफाइन करो, हम यहाँ वाला भी तो पार्ट डिफाइन कर सकते थे, ये वाला पार्ट, इसमें भी तो यूनिकनेस है, यस कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इतने पार्ट के लिए कर सकते हैं। तो वो अलग अलग डोमेन में अलग अलग कॉस एक्स की डिफिनेशन हो जाएगी, वहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ये इसके ये जो है कॉस एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसी तरह साइन एक्स वाला जो पार्ट मैंने साइन एक्स का जो पार्ट लिया था वो भी प्रिंसिपल पार्ट लिया था, उसके अलावा भी अलग अलग रेंज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वी आर डीलिंग विद द प्रिंसिपल पार्ट राइट नाउ। इस तरह से तो कॉस एक्स को हमने डिफाइन कर लिया। इसी तरह हम अगर टेन एक्स के फंक्शन को देखें तो टेन एक्स फंक्शन क्या होता है, टेन एक्स फंक्शन में तो क्या होता है कि आप लाइन ब्रेक करते हैं, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये टू पाई माइनस पाई के, इसमें ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ होता है ठीक है। ये दूसरे कलर से कर लें तो समझ में आएगा, ये ऐसे ऐसे ग्राफ होता है टेन एक्स का, एक्स वाई ठीक है। फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये थोड़ा ये पतला हो गया, ये बेसिकली ये भी चेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली टेन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे ठीक है। ये ज़्यादा ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गई बनाने में, बट आई एम हम लोग जो इसी से कंसर्न है इतने पार्ट से, इसलिए उसको दिखा रहे हैं। तो इसमें भी वही है कि देखिए
एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट एक्स की कई वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू सेम आ सकती है। जैसे एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है, एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है। तो इसमें भी जो मैनी वन रिलेशनशिप है उसको हम वन टू वन रिलेशनशिप इसमें भी डिफाइन करेंगे, तभी उसी पीरियड में हम टेंथ के फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, उसी रेंज में टेन फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं कि जो टेन एक्स है, टेन एक्स इस टाइप का फंक्शन है कि हम इसको माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू ये हो जाता है, ये माइनस पाई बाई टू ये प्लस पाई बाई टू है। इसमें x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, और ये रेट करती है पूरा आर रीजन, क्योंकि ये y की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। ये जो रिलेशनशिप हो गई दैट इज क्या है, वन टू वन है, कि हर उसके लिए एक वैल्यू आएगी एंड वो ऑन टू होगी, सारे के सारे रियल एक्सिस का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो वन टू वन ऑन टू रिलेशनशिप हो गई, बाय टू रिलेशनशिप हो गई। इस केस में हम एक इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं उल्टा फंक्शन, उसके केस में क्या हो जाएगा, ये आर इधर साइड में हो जाएगा और फाइनल वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ये। तो इस तरह से तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है, केवल अभी डिफाइन किया है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स क्या है, इसी तरह कॉस एक्स एक्स और वो भी डिफाइन किया है। फिर अब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे उसमें भी टेन ए प्लस बी कुछ निकालते थे, इसी तरह इनवर्स में भी कुछ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इस टाइप का भी कुछ रिलेशनशिप आएंगी, वो सब हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन का समझ लीजिए कि रिलेशनशिप वन टू वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम वो पीरियड वो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे डोमेन एंड रेंज को, ये डोमेन हो गया ये रेंज हो गई, ऐसे डिफाइन करेंगे कि रिलेशनशिप वन टू वन ऑन टू रिलेशनशिप बन जाए, उसके बेसिस पे ही हम इनवर्स फंक्शन स्टडी करेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में ये डोमेन और रेंज का जो सेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके थैंक यू, अगले सेशन में हम इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।